हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जनरेटर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक जनरेटर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को यूज करने का प्रपोज क्या है, यानी कि एक जनरेटर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को क्यों यूज किया जाता है और ये कौन कौन सा फॉल्ट से एक जनरेटर को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसका आंसर जानने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है जो एक जनरेटर का वाइंडिंग को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो चलिए जानते हैं इंटरनल फॉल्ट एक जनरेटर का क्या क्या होता है जिससे एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जनरेटर का वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, तो इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट कौन कौन सा इंटरनल फॉल्ट है? एक हो गया फेज टू फेज, ओके फेज टू फेज, आर एक हो गया फेज टू ग्राउंड। ओके, तो ये दो ठो इंटरनल फॉल्ट है जिससे एक डिफरेंशियल रिले जो कि जनरेटर में यूज होता है, जनरेटर का वाइंडिंग को इस फॉल्ट से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। ओके, अच्छा, ये जो दोनों फॉल्ट होता है, ये फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड, ये दोनों फॉल्ट बहुत सीरियस होता है क्योंकि ये फॉल्ट होने से एक जनरेटर का वाइंडिंग में लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होता है। लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होने से जनरेटर का वाइंडिंग ओवरहीटेड होगा जिससे वाइंडिंग डैमेज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ओके, तो वाइंडिंग डैमेज हो जाने से पावर प्लांट को जो लॉसेस है बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्रोटेक्शन से हम जनरेटर को क्या करते हैं ना, प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये दोनों इंटरनल फॉल्ट से। ओके, तो ये दोनों इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक करंट ट्रांसफार्मर का सेट को इसका जो जनरेटर का फेस और जो न्यूट्रल रहता है ये दोनों साइड में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा पिक्चरियल व्यू बनाया हूँ जहाँ पे ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर, जनरेटर का जो वाइंडिंग है, और ये हो गया फेज आर वाई बी, और ये आपका हो गया न्यूट्रल साइड। ओके, तो इसका आर फेज में इसका तो ऐसा आर वाई बी, ये तीनों में आपका सिटी लगेगा, लेकिन एग्जांपल आपको समझाने के लिए जस्ट मैं आपको एक फेज में बना के दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये सिटी वन, ये सिटी टू। ओके, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है ना, जनरेटर का जो वाइंडिंग है उसका दोनों एंड में जो करंट फ्लो होता है वो सेम रहता है। ओके, यदि इसमें कोई फॉल्ट होगा, जो फॉल्ट मैं आपको बताया फेस टू फेस या फेस टू ग्राउंड, तो क्या होगा ना, जो करंट है ये अनबैलेंस होगा। ओके, तो अनबैलेंस होने से वो अनबैलेंस करंट जो है ये रिले दे के पास करेगा जो कि सिग्नल भेजेगा ट्रिप होने के लिए। ओके, जो सर्किट ब्रेकर है जनरेटर का वो ट्रिप होने के लिए। बस इस तरह से एक डिफरेंशियल रिले जो है काम करता है जनरेटर का प्रोडक्शन में। ओके, तो जनरली ये जो डिफरेंशियल रिले है ये इंस्टेंट, ओके इंस्टेंट ऑपरेट होता है। यदि मान लीजिए ये जनरली 0.5 एम्प्स
का डिफरेंस यदि रहेगा तो ये क्या होता है ना, ऑपरेट हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक्जेनेटर डिफरेंशियल रिले का मेन प्रपोज क्या है, एक्जेनेटर में यूज़ करने का वो जो डाउट आपका मन में था वो क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।